फ्रेंड्स, आज हम देखिए एक फ्यूज हमारे 11 केवी में चला गया है, उसको चेक करने के लिए हम आए थे। और अभी देखिए, आपको देख रहा होगा एक फ्यूज गया है 11 केवी साइड। फिर उसका फॉल्ट ढूंढने के लिए हम फिर कहना एबीसी को काट दिया। उसके बाद में जब चेक किए, पता चला कि यहाँ पे आर फेज का, ये देखिए जो आर फेज का एक एले जो है ना, फट गया है, जस्ट ये ब्रस्ट कर गया। ठीक है, आप हमेशा ये बात को ध्यान रखें, कोई भी ट्रांसफार्मर का एले जो है 11 के, मतलब उसका जो हायर साइड है, हाई वोल्टेज साइड, उसी में लगेगा। अभी जैसे 11 में 440 है, इसीलिए 11 के भी साइड में लगा है। लेकिन वो भी वाला ट्रांसफार्मर 33/11 के भी होगा तो 33 के भी साइड में एले लगेगा, हमेशा हाई वोल्टेज साइड में एले लगता है। अभी देखिए, मैं जो आपको दिखाया था, अभी हम एले को निकाल चुके हैं। ये वाला देखिए ये क्या ना, ब्रस्ट कर चुका है, काला दिख रहा है, बस एक होल भी हो चुका है यहाँ पे। आप एले देख रहे हैं, ये ब्रस्ट कर गया, ठीक है। लेकिन ऐसे क्यों हुआ, उसका रीजन ढूंढने से पता चला। अभी देखिए, यहाँ पे एक बार जो है ना मरा हुआ है, इधर पड़ा है, देख रहे हैं, ठीक है। ये बार कोई ना कोई जगह में लगा था, हो सकता है इसमें भी लगा होगा, नहीं तो कोई ना कोई फेज एंड बॉडी ये जो स्ट्रक्चर का साथ में शॉर्ट हुआ, जिसका चलते हाई वोल्टेज हो गया और ये वाला फट गया। ओके, अभी आप समझ गए होंगे, जैसे कोई भी फॉल्ट होता है ना, उसका पीछे कोई रीजन होता है। फ्री में देखे फॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। हम सोच रहे थे कि सर्दी का मौसम है, हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ठंडा के चलते पानी गिर गया होगा, ये फॉल्ट हो गया है। बट लेकिन अभी पता चला सुबह सुबह ये कहना कोई कि बाढ़ गिरा है, ये कोई ना कोई जगह में शॉर्ट हुआ। ओके, अभी हम इसको रिप्लेस करेंगे, थोड़ी देर में एक नया हम मंगा रहे हैं, इसी को हम रिप्लेस करके फिर चालू करेंगे। हमारे पास में देखिए पॉलीमर का एले नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी हमारे यूज में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ से एक निकाल लेंगे। हमारा एक टेक्नीशियन रविंद्र कुमार उसके ऊपर में चढ़े हुए हैं, ठीक है, फॉर सेफ्टी रीजन। अभी वो सारा को एगेन इसको अर्थिंग और ग्राउंडिंग कर रहे हैं, फिर से एक निकालेंगे और वही ट्रांसफार्मर में लगाएंगे। ये पॉलीमर इंसुलेटर को अभी हम ऊपर से निकाले और कपड़ा में बहुत अच्छा से साफ किए हैं, ठीक है, सीआरसी लगा के भी साफ किए हैं, ठीक है, और भी साफ होना चाहिए, ठीक है। इसी को अभी हम लगाएंगे ट्रांसफार्मर। उससे पहले भी उसको मेगर करेंगे, वो मेगर जब करेंगे आपको दिखाएंगे। अभी 5000 वोल्ट का मेगर में इसको टेस्टिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 वोल्ट लिखा हुआ है रेड कलर में। ओके, अभी टेस्टिंग करने जा रहे हैं। पहले देख रहे हैं जो डैमेज हुआ है, इसमें देखिए जो पहला वाला इसमें एक होल हुआ है उसको पहले चेक करते हैं। अब रीडिंग देखिए क्या ना, नियर टू 1000 में, जैसे हम शॉर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए इसका वैल्यू 0 दिखा रहा है, आप देख रहे हैं, उधर जैसे लगा रहे हैं जो खराब वाला है उसका वैल्यू 0 आ रहा है। अभी सही वाला में लगाएंगे, अभी देखिए सही वाला में लगाएं, इसमें देखिए सही वाला में अभी लगाएं, उसका वैल्यू देखिए 5000 अबव इनफिनिटी आ रहा है, मतलब ये सही है। ओके, इसलिए हम सही वाला को लगाएंगे। हमारा टेस्टिंग मैन जो है पंडा बाबू, रवि बाबू, दोनों लगे हुए हैं। एक्चुअली दोनों एक से हाई वोल्टेज में एक्सपर्ट है, वो लोग का आइडिया है कि कैसे क्या करना है, वो सभी फॉल्ट निकाला है। देखिए लाइटिंग अरेस्टर लग चुका है और उसके ऊपर में थोड़ा इंसुलेशन दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर में अभी इसको हम चार्ज करेंगे। फ्यूज चला गया था, अभी हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, एक नया फ्यूज देखें। देखिए फ्यूज लग चुका है, हमारा टेक्नीशियन अभी नीचे आ रहा है, थोड़ी देर में अभी इसको हम चार्ज करेंगे। तो हम चार्ज करने जा रहे हैं, देखिए इसका दूसरा ए बी स्विच हम ऑन करने जा रहे हैं। देखिए अभी स्टैंड कर गया, ट्रांसफार्मर का आवाज आना भी शुरू हो गया, ठीक है। आप सक्सेसफुली देख चुके हैं कि कैसे हम एक एले को रिप्लेस किए। ये टोटल हमारा टीम है इधर। ओके, थैंक यू फॉर
वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ में ऐसे वीडियो देखते रहे, हम आगे फिर वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू।